खबर में आपका स्वागत है। मैं हूँ दीक्षा सिंह। आजमगढ़ से खबर। आजमगढ़ जिले में किराया न देने से मकान मालिक के बेटे ने किरायेदार को मारी गोली। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान सरकार ने मकान मालिकों से पैसे न लेने के लिए कहा था, लेकिन पैसे के भूखे मकान मालिक किसी की भी नहीं सुन रहे हैं। इस कड़ी में आजमगढ़ के शहर कोतवाली के एटलस टैंक स्थित राकेश राय के मकान में अहिरौला थाना क्षेत्र के संजीव सिंह मकान किराए पर लेकर रहते थे। उनकी नगर में मोटर पार्ट की दुकान भी है। लॉकडाउन के कारण संजीव सिंह के लिए घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। ऐसे में वह किराया देने में असमर्थ है। इस बात को लेकर 24 मई शाम को उनकी मकान मालिक से कहा सुनी हुई। उस दिन मामला वहीं पर शांत हो गया, लेकिन 25 मई को सुबह संजीव सिंह व उनकी पत्नी पर मकान मालिक के बेटे ने गोली चला दी। दोनों लोगों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत को नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। आजमगढ़ यूपी से ई खबर के लिए विनोद राजभर की रिपोर्ट। 3 महीने दुकान बंद थी उनकी लॉकडाउन से, किसी को जब पैसा का इनकम नहीं उनके पास था। तो इस बात को सरकार ने कहा था कि कोई जबरदस्ती किराया नहीं मांगे। हाँ, तो किराए का ही मामला था। अच्छा। वो किराए की वजह से मांग रहे थे कल, वो कल किराया मांग रहे थे कि ये किराए का मामला जो ये समझौता के लिए उनसे बोले, यही बोले थे कि 6,000 रुपये की बात थी। उसके बाद फिर जो बोले ठीक है, और उसके बाद आज भोर में घटना कर दी। 8 बजे शाम को हमसे बात हुई थी भाई साहब की जी, और भोर में 4 बजे फोन गया कि नहीं, मकान वाले का लड़का गोली मार दिया।